सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं एमटेक यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप व्हाट्सएप चैट पर लॉक लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पर्सनल चैट पर लॉक लगाना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद कोई भी बंदा हो जिससे आपके मोबाइल के पासवर्ड भी पता हो वो भी आपके व्हाट्सएप के पर्सनल चैट को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग भी अपने व्हाट्सएप के पर्सनल चैट में लॉक लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को बने रहना होगा इस वीडियो के आखिरी तक। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए व्यक्ति हैं तो आप इस रेड वाले बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों हम लोगों को व्हाट्सएप चैट पर लॉक लगाने के लिए सबसे पहले एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और यहां से उस एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर हम लोगों को सिंपली सर्च कर देना है लॉकर फॉर व्हाट्सएप चैट। दोस्तों जैसे ही हम लोग लॉकर फॉर व्हाट्सएप चैट सर्च करेंगे तो हम लोगों के सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा जो मैं पहले से ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखे हुआ हूँ। तो आप लोग भी इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। अब चलिए इसको ओपन करते हैं। दोस्तों ओपन होने के बाद यहाँ पर हम लोगों को अपना कोई एक पासवर्ड डाल देना है। आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं 1, 2, 3, 4 डाल देता हूँ। इसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4 डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को अपना कोई एक जीमेल दे देना है। दोस्तों ये रिकवरी जीमेल रहेगा। जब हम लोग अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो हम लोग जीमेल के सहारे से ही लॉक को ओपन कर पाएंगे। तो चलिए मैं अपना कोई एक जीमेल डाल देता हूँ। इसके बाद सबसे नीचे एक सेव का ऑप्शन मिलता है तो चलिए सेव पर क्लिक करते हैं। अब यहां से इनेबल पर क्लिक कर देना है और इस गो इट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद यहां पर लॉकर फॉर व्हाट्सएप चैट का एक ऑप्शन मिलता है तो हम लोगों को इस पर क्लिक करना है और यहां से इसे ऑन कर देना है। इसके बाद इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां से इनेबल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद हम लोगों के सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो अब हम लोगों को सबसे नीचे एक प्लस का आइकन मिलता है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहां से आप जिस चैट पर लॉक लगाना चाहते हैं सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस लड़के पर क्लिक कर देता हूं और यहां से पासवर्ड डाल देता हूं। इसके बाद मैं एक लड़के को सिलेक्ट कर चुका हूं और अगर आप कोई दूसरे बंदे को भी इसमें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहां से उस बंदे को सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं दो व्यक्ति के चैट पर लॉक लगा चुका हूं और अगर आप चैट पर लॉक नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपली इस लॉक पर क्लिक करेंगे तो लॉक हट जाएगा और लगाना चाहते हैं तो फिर से लॉक पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लॉक लग चुका है। अब चलते हैं अपने व्हाट्सएप में। तो चलिए व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद चलिए अब हम जिस व्यक्ति के चैट पर लॉक लगाए थे उसको ओपन करके देखते हैं। दोस्तों अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं यहां पर पासवर्ड मांगा जा रहा है तो हम लोग सिंपली यहां पर पासवर्ड डालकर उस व्यक्ति के चैट को ओपन कर सकते हैं पर कोई दूसरा बंदा इस चैट को ओपन नहीं कर सकता। तो इसी तरह आप लोग अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पर्सनल चैट पर लॉक लगा सकते। दोस्तों अगर आप अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर एक 3 डॉट का आइकन मिलता है तो इस पर क्लिक करते ही सबसे नीचे एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है तो इस पर क्लिक करके हम अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो
तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।